आज हम सीखने वाले हैं भिन्नों का गुणा। अब देखो आपको नॉर्मल गुणा आते हैं? यस सर। नॉर्मल गुणा सब बच्चों को आते हैं? यस सर। चाहे वो कितने भी डिजिट के हों, चाहे टू डिजिट्स के हों, चाहे थ्री डिजिट्स के हों, चाहे फोर डिजिट्स के, चाहे कितने भी हों, ठीक है। अब देखो भिन्नों के गुणा में क्या होता है, माना फॉर एग्जाम्पल हमको क्या करना है, 0.2 को गुणा करना है 2.314 से, ठीक है। ऐसे होते गुणा के क्वेश्चन, ऐसे भी हो सकते हैं या उन्होंने ऊपर नीचे भी लिखे हुए हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। अब देखो गुणा में क्या करना है, जब भी आप दो भिन्नों को गुणा कर रहे हो, या दशमलव, भिन्नों का गुणा भी बोल सकते हैं या दशमलव का गुणा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो गुणा है भिन्नों का या दशमलव का एक ही बात है। अब देखो सबसे पहले ऊपर आपको देखो एक ये संख्या है, एक ये संख्या है, इसमें से बड़ी कौन सी संख्या है, कोई बता सकता है? टू वाली, क्योंकि हम क्या देखते हैं, दशमलव से पहली वाली चीजों को देखते हैं, ठीक है। दशमलव से पहली वाली चीजों को देखने पर पता चल गया कि हमको क्या है, ये वाली संख्या क्या हो रही है, बड़ी। तो इस संख्या को ऊपर लिख लेते हैं 2.314, और नीचे का लिख लेते हैं 0.2, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी हम गुणा कर रहे हैं तो ये दशमलव नहीं, दशमलव को आपको बारे में सोचना नहीं है, मतलब हम इस संख्या को ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू 0.2 के लिए क्या लिख लेंगे, 2। अब ये दशमलव सीधे कब काम आएगा, जब हमारा आंसर आ जाएगा, करें गुणा, बताओ, 8, 2, 6, 4, ठीक हो गया। अब देखो दशमलव कितने अंक पे था, दशमलव से आगे वाली संख्याओं को गिनना है, दशमलव से आगे कौन सी कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर दशमलव और यहाँ पर 0, ये हो गया आंसर। एक और करें, अब देखो 0.621 × 3.1562, ठीक हो गया। अब देखो इसमें से कौन सी बड़ी संख्या है, थ्री वाली। दशमलव नहीं लिख रहे हम, क्योंकि गुणा में मैंने आपको बोला दशमलव यहाँ नहीं लिखने हैं, सिर्फ आंसर में उनका यूज करना है, और नीचे क्या लिखना है, 621। करे गुणा, करो 2, 6, 5, 1, 3, 4, 12, 1, 2 × 2 और 1, 3 और 2, 3 = 6। अब बताओ 12, 36, 7, 33, 9 और 18, ठीक है। ऐड करो 2, 10, 0, 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 0
ठीक हो गया। अब देखो दशमलव कितने अंक पे लगना है, गिनो जरा। क्लियर है? यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा जीरो नहीं लगाना पड़ा, कुछ नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि हमारे पास आंसर सीधे ही आ गया। एक और करें, 0.6 × 0.215, ठीक है, छोटा सा है। इसमें से कौन सी बड़ी संख्या बताओ जरा आप? हाँ सिक्स वाली, क्योंकि पॉइंट के बाद का देखना है हमने, क्योंकि उससे पहले तो जीरो ही था। जीरो जीरो जब कॉमन हो जाएगा उसके बाद हम दशमलव के बाद की संख्याएं देखेंगे, तो ये सिक्स वाला, ठीक है। अब देखो जी, जीरो सिक्स को ऊपर लिखते हैं, लेकिन सिक्स को अगर हम ऊपर लिख देंगे और 215 को नीचे लिखें तो गुणा करने में हमको क्या हो जाएगी? दिक्कत। गुणा में ऊपर या नीचे लिख के कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है, टू को थ्री से गुणा कर लो या थ्री को टू से गुणा कर लो, बात तो एक ही आएगी। तो इसको हम क्या लिख लेते हैं? ऊपर लिख लेते हैं, 215 × 6। करो गुणा, जीरो सेवन नौ और बारह। बस गिनो कितने अंक पे लगना है दशमलव। चार, वन टू थ्री फोर, जीरो आगे, यहाँ आगे जीरो, ठीक है। माना मैं बोल देता कि भाई यहाँ पर ये 0.006 है, ठीक है। अब कितने अंक पे दशमलव लगता? अब लगता पांच अंक पे। तो अब यहाँ तो एक दो तीन चार ही थे, फिर क्या होता? एक और जीरो यहाँ पे लग जाता और यहाँ पॉइंट लग जाता। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर।